नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधा पॉइंट की बात करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा था जब माइक्रोसॉफ्ट ने टिकटॉक को खरीदने वाली थी। बात दरअसल ऐसी थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप साहब चाइनीज से चिढ़ गए थे, क्योंकि चाइना व्यापार में और टेक्नोलॉजी में दोनों में अमेरिका से अच्छा कर रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर चाइना का तेज़ी से बढ़ता हुआ इकोनॉमी और 5G का सबसे पहले लॉन्च करना ट्रंप को गुस्सा दिला दिया था। अमेरिका ने 5G को अपने यहाँ तथा अपने सहयोगी देशों के यहाँ ब्लॉक करवा दिया। पॉइंट से ना भटकते हुए टिकटॉक पे आते हैं। ट्रंप ने दिनांक 1 अगस्त 2020 को टिकटॉक को अमेरिका में बंद करने की घोषणा कर दी और 1.5 महीने का अल्टीमेटम दे दिया कि यदि तुम अमेरिका में रहना चाहते हो तो अपना डेटा सेंटर अमेरिका में सेट करना पड़ेगा। दरअसल बात ऐसी है कि ट्रंप को टिकटॉक पे भरोसा नहीं था, क्योंकि वो चाइनीज कंपनी थी और ट्रंप का मानना था कि वो अमेरिकन नागरिकों का जासूसी कर रहा है और वो डेटा को कभी भी लीक कर सकता है। इसलिए जब उसका डेटा सेंटर अमेरिका में होगा तो अमेरिकन कानून उस पर लागू होगा और उस डेटा पे अमेरिका का पूरा कंट्रोल होगा। अब टिकटॉक माइक्रोसॉफ्ट के पास गई कि तुम कोलैबोरेट कर लो। अमेरिकन गवर्नमेंट उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट भी प्रेशर बनाकर रखी हुई थी कि तुम टिकटॉक से डील करो, ताकि USA गवर्नमेंट के अनुसार टिकटॉक पे कुछ पॉलिसी थोपी जा सके। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को ख़रीदना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये दोनों कंपनियां बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग हैं। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में डील करती है, लेकिन टिकटॉक जो है वो एक इंटरटेनमेंट कंपनी है। बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट थोड़ा ढील दी तो माइक्रोसॉफ्ट इसको थोड़ा डिले कर दिया। उसके बाद ट्रंप साहब प्रेसिडेंट से हट गए तो ये डील हो नहीं पाई। माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक खरीद नहीं पाई। अभी का करेंट स्थिति बताते चले कि टिकटॉक अभी भी अमेरिका में बंद है और इंडिया में भी इसे बंद कर दिया गया था दिनांक 29 जून 2020 को, और ये अभी भी बंद ही है। आप इसे प्ले स्टोर पर नहीं खोल सकते। सो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।